क्रिप्टो करेंसी से गुलामी नहीं आएगा। जो पंपिंग चल रहा है अच्छा पंपिंग चल रहा है, लेकिन इथेरियम में रेट नहीं बढ़ रहा है। परसेंटेज वाइज ज़्यादा पंप है लेकिन काफ़ी गिरा हुआ है रेट। तो जो गुलामी का बात कर रहे हैं वो डिजिटल करेंसी से आएगा, सरकारी करेंसी से आएगा, सरकारी ब्लॉकचेन से आएगा। और यही बहुत बड़ा दिक्कत है। जो G7, G20 और ब्रिक्स, कॉर्बेट रिपोर्ट ने एक्सपोज किया कि एजेंडा इसका देख, G7 का एजेंडा ब्रिक्स का देख, कुछ फ़र्क दिख रहा है? कुछ भी फ़र्क नहीं, दोनों सेम है। डिजिटल आईडी, यूनिवर्सल हेल्थ आईडी, यूनिवर्सल हेल्थ मतलब वही इन्फेक्शस डिसीज़ के अगेंस्ट, मतलब वैक्सीन। तो दोनों का एजेंडा सेम है। और ये कुछ अजीब सा खेल है, ये लोग को कुछ तो सफरिंग बढ़ानी है। क्योंकि देखो ये जो लोन लेते हैं IMF वर्ल्ड बैंक से, तभी IMF वर्ल्ड बैंक इनसे एक वादा लेती है कि तुम गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करोगे, टैक्सेस बढ़ाओगे। तो टैक्सेस बढ़ाने के पीछे IMF और वर्ल्ड बैंक को क्या मज़ा आता है? एज ए गारंटी कि तुम लोन वापस कैसे दोगे, तो टैक्सेस बढ़ाओगे। और इसके वजह से सब कंट्रीज़ में टैक्सेस बढ़े हुए हैं। और डिजिटल आईडी और CBDC इतना ख़तरनाक है, टैक्सेस सब कंट्री में बढ़ा हुआ है। और तुम कौन सा भी कंट्री में जाओ छोड़ के, उधर वो जो पेरेंट कंट्री है उसका टैक्स लगेगा। वो अमेरिका में है, फ्रांस वाला, यूरोपियन यूनियन वैसा करने वाला है कि उधर का सिटीज़न किधर भी जाके रहा उसको टैक्स भरना ही पड़ेगा पेरेंट कंट्री का, उधर वो रहता भी नहीं। तो ये लेवल का प्लान चल रहा है। और ये सब पॉसिबल होगा डिजिटल आईडी CBDC से। तो मतलब इतना ख़तरनाक प्लान चल रहा है। और वैक्सीन भी है, किधर भी जाएगा वैक्सीन घुसाना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसको फाइट बैक करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, ऑफलाइन करेंसी, डिजिटल गोल्ड सिल्वर, जो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते उससे। और दूसरा है क्रिप्टो करेंसी, जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, और लड़ाई इसके बीच में है, डिसेंट्रलाइज करेंसी और सरकारी कंट्रोल्ड करेंसी। सारे देश की सरकारें डिजिटल आईडी और सरकारी ब्लॉकचेन पे काम कर रही है। अपना दल्ला कामाटीपुरा वाला, वन हेल्थ वन वर्ल्ड बात करता है, वो यही है कि किधर भी जाएगा एक ही आईडी रहेगा। और वैसा करके टैक्स से बच नहीं पाओगे तुम। ये एक स्पेशल टाइप का टॉर्चर टाइप है। और ये कंट्रीज, सारे कंट्रीज, इवन डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका, इंडिया भी, ये लोग को एक कुछ तो लोन लेते हैं IMF वर्ल्ड बैंक से। और उनकी शर्तें रहती है
कि तुम गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करोगे और टैक्स बढ़ाओगे, और ये दल्ले ने लोन ले लेके इतना टैक्स बढ़ा दिया है कि फॉर्चुनर के पीछे 27 लाख रुपए का टैक्स लगता है। 50 लाख की गाड़ी है, 27 लाख टैक्स सरकार को जाता है, जो डीलर है उसको 40,000 रुपया मिलता है। तो मतलब दल्ले ने टैक्स बढ़ा बढ़ा के इतना टैक्स कर दिया, और ये सब विदेशी IMF वर्ल्ड बैंक के इशारों पे किया जाता है, और बिना मतलब के लोन ले रहा है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट बोलता है चूतिया साला, रास्ता बनाया तो क्या डेवलपमेंट हो गया क्या? और कर्जा ले लेके रास्ता बना रहा है, और सारे स्टेट्स पे भी बहुत बड़ा बड़ा कर्जा है। तो मतलब शर्त भी वही रहती है, तो कर्जा लेगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेगा, मतलब सब्सिडी वाला टिकट, हेल्थ, एजुकेशन, उस पर खर्चा कम करेगा, टैक्स बढ़ाएगा, तो सारे स्टेट्स और सेंटर ने इतना कर्जा लिया है। और एनफोर्स करने के लिए वर्ल्ड वाइड डिजिटल ID, वन वर्ल्ड करेंसी या CBDC, दे विल प्ले एसेंशियल रोल। और फाइट इसके बीच में ही है, सरकारी कंट्रोल्ड करेंसी और इंडिपेंडेंट करेंसी लाइक इथेरियम, मनेरो, और डोंट कंफ्यूज CBDC विथ क्रिप्टो करेंसी, दे आर डिफरेंट। इट्स अबाउट कंट्रोल। CBDC पे सरकार का कंट्रोल है और क्रिप्टो करेंसी पे नहीं है। तो ये लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, G7, ब्रिक्स, और ये दल्ला घूमते रहता है, कामाटीपुरा बोला, तो ये बेसिकली उसके लिए ही है। यूनिवर्सल ID, हेल्थ ID बोलता है मादरचोद को, दूसरे के हेल्थ की बहुत चिंता है, वैक्सीन लगाने की बहुत चिंता है, और डिजिटल ID, इस पे काम चल रहा है सब कंट्रीज़ का, इस पे एकदम बहुत ज़्यादा फोकस है और बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, और 80-90% लोगों को दे आर नॉट अवेयर कि इतना मैसिव लेवल पे टॉर्चर और गुलाम बनाने का, सारी कमाई छीनने का प्लान चालू है, इम्प्लीमेंटेशन भी चालू है। अचानक सारे कंट्रीज़ के सरकारों को लोगों की हेल्थ की चिंता है। इसका विरोध लगेगा और कोई तो कंट्री की सरकार गिरनी चाहिए, ताकि उधर के लोग सरकारी सिस्टम का टेक ओवर करें, और बाकी के कंट्रीज जिधर गुलामी वाला रूल्स इम्प्लीमेंट हो रहा है वो लोग की मदद करें। तो इस टाइप पे कुछ लगेगा, और ये जो बोलते रहता है डेवलपमेंट डेवलपमेंट, चाराने का डेवलपमेंट नहीं है। ये एक ऐसा अजीब सा बुड्ढा है जो कार में घूमते समय खुद के ऊपर लाइट लगाता है, ताकि लोगों को उसका फेस ग्लोइंग है वैसा लगे। अजीब सा साइकोपैथ है,
चल ये कंट्रोल्ड पपेट है और बड़ा लेवल पे पब्लिक को, मतलब कंट्री तो रहा नहीं, नेशनलिस्टिक ये सब रहा नहीं, क्योंकि जो सरकारें हैं दे इट्सेल्फ आर डिस्ट्रॉइंग द नेशन फॉर वन वर्ल्ड। तो तुमको पेट्रियोटिक बना के ये सारे लोग जो नेशनलिस्टिक, वो सब कुछ रहा नहीं है। और सरकारी मशीनरी लोगों के खिलाफ यूज़ किया जा रहा है एंड पीपल आर अनअवेयर ऑफ इट। तो ये बड़ी लड़ाई होगी। एक इसके लिए सॉल्यूशन है डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिप्टोकरेंसी। और जो चूतिया लोग क्रिप्टोकरेंसी को सीबीडीसी गुलामी वो समझते हैं, वो सारे चूतिया लोग हैं। मैंने देखा था ग्रुप्स में, दे डोंट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी कैश कैश का बात करते हैं। कैश भी तो सरकार प्रिंट करती है, सरकार ने कैश प्रिंट करने का बंद कर दिया तो तू क्या करेगा? सरकारी करेंसी यूज ही नहीं करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। सरकारी और ये बैंकिंग कार्टेल वाली करेंसी यूज नहीं करना है, अल्टरनेट ढूंढना है। ऑफलाइन अल्टरनेट सिल्वर होगा और ऑनलाइन अल्टरनेट डिजिटल करेंसी होगा, और वैसा करके एक बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। एक बार सरकारी कंट्रोल, इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करेंसी से चला जाएगा तो इनका जो फेक साइंस पे खर्चा होता है, क्योंकि वो लोग के पास अनलिमिटेड है तो किसी भी चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं और किसी भी चीज़ को दबा सकते हैं, फेक हिस्ट्री, फेक क्लाइमेट चेंज, फेक साइंटिफिक रिसर्च, ये सब बंद हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड मेडिसिन, ये सब आगे के रेवोल्यूशन है जो तेजी से तरक्की करेंगे। तो सरकार गिरना, इंस्टीट्यूशन गिरना सबके फायदे के लिए, सिर्फ पब्लिक कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। अरे कैसे होगा? होगा, अगर सरकारी कंट्रोल आएगा तो वैसे भी तुम गुलाम होगे। ये थोड़ा केओटिक रहेगा बट इसमें प्रोग्रेस होगा। सरकार गिर जाए, इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो जाए, ये केओटिक रहेगा थोड़े टाइम के लिए, पर इसमें केओटिक्स जो कंस्पिरेसी थ्योरी वाले हैं, केओटिक्स दे विल मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल। सिर्फ जो रेगुलर टाइप के लोग हैं जिनको एक फिक्स एनवायरनमेंट लगता है टू सर्वाइव, दे विल हैव ए लिटिल बिट हार्ड टाइम बट इट विल बी लॉट बेटर देन सरकारी टेक ओवर ऑफ एवरीथिंग, करेंसी, प्रॉपर्टी छीन लेंगे सब, वैक्सीन लगाएंगे। तो ये अच्छा है कि ये थोड़ा केओस अच्छा है? तो चॉइस दोनों चीज़ में है। सरकारी कंट्रोल से तुमको टोचन लगेगा, सब पैसा छीन लिया जाएगा, प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ नहीं रहेगा, और तुम कौन सा भी कंट्री में जाओ उधर ये लोग पेरेंट कंट्री का भी टैक्स लगाएंगे, तुम टैक्स से बच नहीं पाओगे।
तो ज़्यादा चॉइस नहीं है, ये दोनों के बीच में चॉइस करना है।